छोटा सा है, एक बित्ते का है नहीं। देखो मैं एक्सो कैसे डाक रहा है। चीयर्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 12 और आज हमें टाइम मिला अब चाय पीने का। टाइम क्या मिला मैं तो भूल ही गई थी कि आज हमने मतलब बेड टी ली नहीं है, क्योंकि इतना बिजी थे सुबह उठने के बाद से, इतना सब काम वाम शुरू हो गया था और मेरी शिफ्ट भी अर्ली हो गई है, तो अब मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ता है। और लोग चाय के साथ बिस्किट खाते हैं, इसको देखो पार्सल लेके बैठी है, पार्सल खाएगी चाय के साथ। अरे अभी आया था तो मैं यही ले आई थी। जिस पार्सल के लिए कल लड़ाई कर रही थी ना एक्सचेंज वाला, वो पार्सल आज इसको मिल गया है। हाँ। खा लो कोई बात नहीं, चाय के साथ तुम पार्सल खा लो। ये सब अपना इंतजाम लेके चलती है लोग, जैसे सुबह उठ के कुछ होता है ना कि चलो कुछ लोग कुछ हेल्दी चीजें खा रहे हैं, या फिर किसी को किसी नशे की आदत होती है, बीड़ी सुट्टा कुछ भी, ये सुबह सुबह चाय के साथ इसको ये झोला मोला लेके चलती है बिस्किट और खाना ही खाना है। मम्मी मेरे से पूछ भी रही थी, मैंने बोला मम्मी मेरा दूसरा वाला पैकेट खत्म होने वाला है, तो मम्मी कह रही मैं भेज। जब मम्मी से जाके पूछा कि मम्मी वो वाले बिस्किट कहाँ से लाए थे जो हम उस दिन आए थे, जो हम उस दिन खाए थे, छोटी सी बिस्किट, वो मीठी वाली, वो कोकोनट वाली, ऐसे ऐसे करके फिर रिश्तेदारों को याद दिलाएगी, याद है हम उनके घर गए थे तो उन्होंने जो बिस्किट दिया था हमें सुबह को, वो बिस्किट कहाँ से लाए थे आप, वो बिस्किट लेके आओ, और ऐसे कर करके ढूंढ ढूंढ के बिस्किट लेके आएगी उधर से, और उसको ना महीने में एक ट्रक बिस्किट लग जाएगा कम से कम। जितने टाइम चाय उतने टाइम बिस्किट, खाना ही खाना है, चाहे कितना भी ठूसी रहे, कोई दिक्कत वाली मुझे बात चाय के साथ एक बिस्किट मिले खाने के लिए, बट बिस्किट मुझे चाहिए, बिना उसके मेरी चाय नहीं नीचे जाती। नारियल पी के घर में रख देती है और ये भाई साहब उस नारियल को लेकर फाड़ते रहता है। ये लेके आता है और आज तो बहुत बढ़िया काम किया मेरा नारियल था ना। हाँ। मैं तो थोड़ा सा उसको होल्ड करती हूँ, पूरा काटा उसके अंदर इतनी मलाई थी, बट ये पूरा चाट चुका था, वरना मैं खा लेती थी। मैंने इसको चम्मच से निकाल के खिलाई। मेरे पास एक आइडिया है, उसको धोके क्यों निकाली। चाय पीने में ना मज़ा नहीं आया, जब से कॉफ़ी की आदत डाल ली है मुझे, कॉफ़ी पीने में ही ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैंने दोबारा अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई है। ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं। हाँ, ये पी के फिर लगता है कि हाँ सुबह की शुरुआत हुई है, क्योंकि अच्छे से बिल्कुल दिमाग खुल जाता है पूरा। और अभी मैं बैठ के कर रहा हूँ वीडियो एडिट, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट 12:30 के आसपास हो चुका है। वीडियो एडिट करूँगा, 3:30 या 4 बजे तक वीडियो डल जाएगा, एंड उसके बाद देखते हैं। मुझे बाहर भी जाना है, बाइक में भी कुछ काम कराना है यार, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। हर ब्लॉग में बोलता हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है। उसका चेन साफ करना बहुत ज़रूरी है, जब मैं उसको चला रहा हूँ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है देख के, कि मतलब आवाज़ें निकाल रही है वो, कि मेरे चेन में एटलीस्ट इतना ड्राई और इतना गंदा हो चुका है, उसको साफ़ करो। अब ये लगा लो जब से लद्दाख से आया हूँ तब से उसकी चेन जो है वो साफ़ नहीं हुई है, वो करानी है। उसके बाद फिर देखते हैं, करानी क्या है खुद से करूँगा, उसके बाद फिर उसको एक छोटी सी राइड पर ले जाने का प्लान है। देखते हैं, अगर अच्छे से पैन आउट हुआ तो जाएंगे, नहीं पैन आउट हुआ तो देखते हैं। फिलहाल कॉफ़ी एंजॉय करते हैं, ब्लॉग एडिट करते हैं, डालते हैं। चैनल पे डेली ब्लॉग आ रहा है, आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, और प्लीज़ चैनल पे थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, वहाँ पे हम लोग अच्छे खासे रील्स डाल रहे हैं, और चैनल पे हम लोग जाके शॉर्ट्स डाल रहे हैं। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा शॉर्ट्स का, तो आप जाओ चैनल पे और वहाँ जाकर के शॉर्ट्स देख के एंजॉय करो। मैक्स के शॉर्ट्स डालते हैं, फिशेस के डालते हैं, और हम लोग कुछ कॉमेडी शॉर्ट्स भी हम लोग बना रहे हैं। और बता दो, अच्छे खुद बता दो। और मैं बहुत ज्यादा फनी फनी शॉर्ट्स डालने की कोशिश कर रही हूँ। मैं एक्टिंग में उतनी अच्छी नहीं हूँ, बट फिर भी मैं बहुत ट्राई करती हूँ, और अविनाश को इतना परेशान करती हूँ ना, बार बार टेक लेके कि बिल्कुल हाँ बोलते हैं, बस अब नहीं बनाऊंगा मैं लास्ट। मैं डायरेक्टर बन चुका हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, मल्टीपल टेक्स, और ये सब मेहनत बहुत लगती है, लेकिन मजा आ रहा है आजकल बनाने में, क्योंकि चैनल में एंगेजमेंट बढ़ रहा है तो अच्छा लगता है। सो द टाइम इज 5:40 इन द इवनिंग, और अभी मैं निकला हूँ लुब्रिकेंट खरीदने के लिए, अपने चेन क्लीनिंग के लिए एंड ल्यूबिंग के लिए। तो चेन जो है अब इट्स हाई टाइम कि उसका काम करना पड़ेगा, और जो इंजन ऑयल कम है वो इंजन ऑयल डालना पड़ेगा, बेसिकली सेल्फ सर्विस करनी पड़ेगी मुझे बाइक की। तो अभी मैं उसके लिए फ़िलहाल जा रहा हूँ ल्यूब लाने के लिए, क्योंकि चेन क्लीनर मेरे पास है पर लूब जो है वो ख़त्म हो चुका है, जब मैं लद्दाख राइड पर गया था उस टाइम ही ख़त्म हो गया था लूब। तो इसको देख लो कैसे चला रहा गाड़ी, भाई साहब पागल हो चुका है ये। तो मुझे दुकान वगैरह कुछ पता नहीं है, कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं, बस मैं ऐसे ही रैंडमली जा रहा हूँ, कहीं पे भी मिल जाए तो सही है।
चेन से अब लिटरली आवाज़ आने लगी है। चेन चीख चीख के कह रहा है कि भाई मुझे साफ़ करो, मुझ में लुब्रिकेंट डालो और टाइट करो। ये तीन चीज़ें हैं, टाइट भी करना उसको बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा लूज़ है। तो सबसे पहले मैं उसको क्लीन करके लूप कर लूँगा, फिर जाकर टाइट करूँगा। बाइक का ध्यान रखना ज़रूरी है और अभी बाइक पे थोड़ा ध्यान आ रहा है। अगर बाइक पे ध्यान रहेगा तो बहुत जल्दी एक राइड पे जाऊँगा, और अगर राइड पे जाऊँगा तो आपको बढ़िया कॉन्टेंट मिलेगा। यहाँ तो नहीं, चलो यहाँ पता करते हैं। भैया गियर ऑयल है आपके पास? गियर ऑयल किसमें डालना है? वो तो चेन में डालना है उसके। स्प्रे होती है ना? नहीं नहीं गियर ऑयल भी डलता है 140 नंबर का। नहीं है स्प्रे तो डलता ही है, देसी जुगाड़ है गियर ऑयल का। क्या यहाँ मिल जाएगा? ये तो किराने का दुकान है भाई, यहाँ नहीं मिलेगा। दिस इज अ किराना दुकान। यहाँ यहाँ मिल जाएगा, यही तो मैं ढूंढ रहा था। जहाँ पे ये सारे ऑयल्स मिलते हैं ना, यहाँ पे गियर ऑयल मिल जाएगा इजीली। अंकल गियर ऑयल है 140 नंबर? 140? हाँ 90 है। चलो 90 ही दे दो आप। हाँ नहीं यार, चलो एक ये तो दे दे मेरे को, एक तो दे दो। हाँ और इसके अलावा एक बोतल जैसी आती है ना, बोतल जैसी, वो वाला नहीं है। वो नहीं है, मेन तो वही है भाई। सो इट्स 6:30 इन द इवनिंग एंड आई एम बैक होम। गियर ऑयल तो तुरंत मिल गया था, लेकिन ये कुप्पी ढूंढने के चक्कर में भाई साहब तीन तीन मार्केट जाके छान मार आया, कहीं भी मिल ही नहीं रहा। हर कोई यही बोल रहा है आज खत्म है, दो तीन दिन बाद मिल जाएगा। इसमें गियर ऑयल डाल के और आगे जो ये होल है इससे ऐसे करके चेन में डालना इजी रहता है, ताकि वो फैलता नहीं है। तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही नहीं मिल रहा था भाई साहब, हालत ख़राब हो गई। अब तो अंधेरा भी हो गया है, 6:30 भी हो गई, अभी मुझे मैक्स को लेके जाना है, राइड आना है मैक्स को लेके जाना है मुझे टहलाने के लिए वॉक पे। तो अभी मैं जाऊँगा मैक्स को लेके, और ये वाला काम अब कल होगा, आज नहीं हो पाएगा क्योंकि अंधेरे में पॉसिबल नहीं है। अभी राइड पर राइड चढ़ गई है भाई, जब बाइक का काम करना तो राइड चढ़ गई, अब जाना पड़ेगा भाई। बहुत माता रानी कह रही है कि राइड पे जाओ जल्दी, इसलिए बार बार दिमाग में राइड आ रहा है। नहीं उसको छोड़ के जाओ, ये तो अपने आप ऐसे ही लग गया, ढेर मैंने थोड़ा ना लगाया था। मुझे इसके अंदर टैलेंट दिख रहा है, क्योंकि ऐसे कोई ढेर लगाने जाएगा तो गिर जाएगा भाई। टैलेंट तुम्हारे अंदर है, कहाँ से सीखे हो? रिक्वेस्ट करूँ ये पत्तों वाली सब्जियाँ लानी बंद कर दो भाई, मार्केट में यही पत्तों वाली सब्जी मिल रही है और तो कुछ मिल ही नहीं रही। चलो नेक्स्ट बलून चाहिए, सिट गुड बॉय। ये भी एकदम छोटा बच्चा की तरह है भाई, बलून चाहिए इसको खेलने के लिए। पिछले तीन दिन में कम से कम 50 बलून से खेल चुका है ये। सच्ची में इतने दिन के बलून पड़े थे मेरे, चलो यूज़ तो हो गए। बलून को लेके ना बिल्कुल पागल रहता है, जैसे फट जाता है हम लोग बलून उठा के फेंक देते हैं, और फिर नए बलून के लिए इसको पता है कहाँ रखा हुआ है, वहाँ जाके वहाँ जाके खड़ा हो जाएगा। फिर इसको बलून वहाँ से निकाल के मिलेगा, उसके बाद बलून से खेलेगा। मम्मा ले ले बाबू।